सत श्रीकाल, नमस्ते, राम राम। वर्ल्ड इमिग्रेशन न्यूज चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं राज शर्मा एक बार फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है बहरीन से रिलेटेड। बहरीन, जी हाँ, गल्फ के मिडल ईस्ट में एक स्थापित एक कंट्री जिसे हम छोटा दुबई भी कहते हैं, क्योंकि इसने दुबई के मुकाबले दुबई को टक्कर दे रहा है और दुबई के मुकाबले ये डेवलप हो रहा है। काफी सारे बिजनेसमैन ने यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया, जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत हाई और 45% यहाँ पे एशियन लोग हैं, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंकन, नेपाली, थाईलैंड के लोग, मोस्टली एशिया के लोग इसकी जीडीपी को संभाल रहे हैं। और यहाँ की अगर मैं कंट्री की बात करूँ दोस्तों, 2% यहाँ पे यूरोपियन है और 1.2% अदर अदर कंट्रीज से हैं, जितनी कंट्री चाहे वो अफ्रीका से चाहे वो कहीं से भी आए हो। और गल्फ में पड़ती है दोस्तों ये कंट्री, गल्फ में, यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पड़ती है ये कंट्री। इसका ये पार्ट रहा है और हैवी है, बट इस कंट्री का एक अलग संविधान है और ये कंट्री जो है यहाँ पे मोस्टली जो आबादी है वो शिया और मुस्लिम सुन्नी दोनों मुस्लिम्स की है। बट यहाँ पे ये एक कहने का मतलब है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि जैसे इंडिया हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे इमिग्रेंट का सम्मान किया जाता है, यहाँ पे बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो छोटी प्रोफाइल के हैं चाहे वो बड़ी प्रोफाइल के हैं। किसी को मैं छोटी प्रोफाइल के आके उसको छोटा नहीं कहना चाहता, मेरा कहने का मतलब है कि हमारी डेजिग्नेशन लो हो सकती है लेकिन लो डेजिग्नेशन वाला हाई बिजनेस को चला रहा है, तो उन लेबर्स के लिए भी, उन मजदूरों के लिए भी सपोर्ट है जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करके बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को चलाने में मजदूरों का बहुत ज़्यादा हाथ है। और इसलिए आज की वीडियो मजदूरों के लिए खास है। ये जो है 33 आइलैंड से मिलकर बना एक कंट्री बहरीन, और ये दुबई के पास में पड़ता है दोस्तों। इंडिया से काफ़ी सारे लोग यहाँ काम करने गए, पहले यहाँ पे लेडीज़ को वोटिंग का अधिकार नहीं था, आज यहाँ पे लेडीज़ को वोटिंग का भी अधिकार है, लेडीज़ आए यहाँ पे बाहर। बट ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक डेवलप्ड कंट्री है और इस कंट्री में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, टूरिज्म के मामले में हब है, ऑयल एंड गैस की कंपनीज भी यहाँ पे जॉब बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं बात करूँ पेट्रोलियम इंडस्ट्री, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब है, बट एग्रीकल्चर वालों की यहाँ पे जॉब्स बहुत कम है। उसका एक रीज़न है, यहाँ पे ये एक मरुथल का एरिया, ये एक डेजर्ट एरिया है और जहाँ पे डेजर्ट एरिया होगा वहाँ पे यार एग्रीकल्चर तो बहुत ही कम होगा, वहाँ पे कुछ लिमिटेड अमाउंट की क्रॉप्स उग सकती हैं, जैसे कि हम एलोवेरा की बात करें, एलोवेरा यहाँ पे उग सकती है, ये क्रॉप नहीं, ये हम बात करें आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स हैं, तो एलोवेरा की प्रोडक्शन यहाँ पे हो रही है यहाँ पे, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, पानी की यहाँ पे कमी है दोस्तों, बट फिर भी इसके पास एक दो समुद्र हैं जहाँ पे ये पानी की कमी को पूरे देश को पूरा कर रहा है। पेट्रोलियम के यहाँ पे खाद्य पदार्थ, पेट्रोलियम के यहाँ पे खजान पूरे पूरे हैं, यानी खजाना है यहाँ पे, और इसलिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री की यहाँ पे बहुत जॉब निकलती हैं। तो जिन लोगों के पास यहाँ पे ऑयल एंड गैस की डिग्री है, जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और पेट्रोलियम इंडस्ट्री का डिप्लोमा डिग्री, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में इसने बहुत काम किया, टूरिज्म के मामले में इसने बहुत काम किया, टूरिज्म में BHM बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, क्योंकि 8 मिलियन लोग हर साल यहाँ घूमने आते हैं, तो आप समझ सकते हैं इसका टूरिज्म कितना बड़ा होगा। और एक बहुत ही पॉपुलर हेरिटेज साइट है यहाँ पे दोस्तों, और यहाँ की जो कैपिटल है मनामा, मोस्टली लोग यहाँ पे सिटीज में ही रहते हैं, गाँव तो बहुत ही कम है यहाँ पे, डेजर्ट एरिया को लोग देखने के लिए आते हैं, क्योंकि डेजर्ट देखने के लिए अंग्रेज बाहर के देशों के लोग बहुत ज़्यादा यूरोप से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, क्योंकि इंग्लैंड ने इसके बहुत सहायता करी आज़ाद होने में, इसके गणराज्य को स्थापित होने में इंग्लैंड ने बहुत सहायता करी, इसलिए इंग्लैंड के लोगों से भी बहुत प्यार करते हैं। इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली, श्रीलंकन और थाईलैंड के लोग यहाँ की GDP को संभाल रहे हैं, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज में जितनी भी इंडस्ट्रीज यहाँ लगी हुई हैं उसमें काम करने वाले मोस्टली इमिग्रेंट्स हैं, दोस्तों, तो जिनकी सैलरी मिनिमम इंडिया में 30,000 है, 30 to 35,000, वो लोग जाओ यहाँ पे मिनिमम सैलरी 60 से 65,000 स्टार्टिंग है, मैक्सिमम जाती है 1.5-2 लाख तक, और अच्छी प्रोफाइल में जाती है सैलरी 3 से 4 लाख तक। इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स, इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, तो क्लियर बताता हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। सैलरी डिपेंड करती है आपकी प्रोफाइल पे, आपकी कंपनी कौन सी है, आपका एम्प्लॉयर कौन सा है। अप्लाई करने का तरीका सुन लेना, कैसे अप्लाई करना है बहरीन के लिए दोस्तों, कुछ जॉब पोर्टल्स के नाम बता रहा हूँ, नोट कर लेना ध्यान से। पहला है दोस्तों glassdoor.com, 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 ये बहरीन की एक अच्छी जॉब पोर्टल की साइट है जहाँ पे मोस्टली लोगों का रिजल्ट आया, जहाँ पे मोस्टली लोगों ने जॉब गेटअप की। ये फ्री साइट है, यहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाइए,
जाके अप्लाई कीजिए, सीधा प्रोफाइल डालिए और सीधा एम्प्लॉयर आपको यहाँ से कॉन्टैक्ट पेपर भेजता है। बट उससे पहले इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू की वीडियो मेरी एक देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, पीछे भी मैंने डाली हुई है, वो वीडियो देख लेना आप, ताकि आपका इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है वो आपके तक एक हेल्पफुल चीज पहुंच जाए और आप इंटरव्यू क्लियर कर लें। दूसरी दोस्तों है BAYTBAG.com। तीसरी है दोस्तों गल्फ टैलेंट, यानी कि नाम ही बड़ा अच्छा है, गल्फ टैलेंट। जिनके पास टैलेंट है वो गल्फ में अप्लाई कीजिए, तो GulfTalent.com इसमें आप अप्लाई कीजिए। चौथी है AKHTABOOT, AKHTABOOT.com, AKHTABOOT.com, इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पांचवी है NaukriGulf.com। तो ये पांच वेबसाइट्स पे आप जाके अप्लाई कीजिए, आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। पैसा तो कुछ लगेगा नहीं दोस्तों, सब कुछ यहाँ गल्फ में इम्प्लॉयर ही आपको भेजता है। बहरीन रहने लायक कंट्री है, बहरीन इमिग्रेंट्स का सम्मान करती है, सैलरीज अच्छी हैं, और जिसने एक दो साल गल्फ में काम कर लिया ना यार, उसके बाद आप कनाडा ऑस्ट्रेलिया का वीजा बड़े आराम से लगा सकते हो। ये उन लोगों के लिए जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स कम है, जो कहते हैं हमें इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों जब आप यहाँ जाते हैं ना, यहाँ पे एक मिनिमम लिमिट की इंग्लिश बोली जाती है, बट आपका फायदा क्या होगा, जब आप यहाँ पे एक्सपीरियंस ले लेंगे ना, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आप काम कर रहे हैं। आप इस बात को समझ लेना मेरी, जो व्यक्ति किसी इंटरनेशनल कंट्री में आगे काम कर रहा है ना, एक बार आप चले गए, एक साल आपने काम कर दिया, तो आपकी प्रोफाइल की वैल्यू ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है, सैलरी आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। कोई भी कंट्री आपको बुलाएगी ना, आपका गल्फ एक्सपीरियंस अगर वो देखती है, वो हाथ जोड़ के बुलाती है कि यार बंदे के पास कोई क्वालिटी होगी जो वो ऑलरेडी एक अच्छी कंपनी में काम करके आ चुका है। तो गल्फ में जो लोग काम करते हैं उनको छोटी मोटी प्रोफाइल मत समझो यार, ये मत समझो कि ये तो दुबई से काम करके आया, इसमें क्या होगा। दुबई से काम करने वाला बंदा ना, इसने इसको बंदा बना देते हैं, वो उनको काम करने का तरीका सिखा देते हैं, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशन पे काम करते हैं यार, उनके डिसिप्लिन अलग होते हैं। जब आप एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हो ना, तो आपका बैठने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका रूल्स फॉलो करने का तरीका, पंक्चुअलिटी आपके अंदर आ जाती है, और यही चीजें कंपनीज मांगती हैं। ये चीजें आप लोगों ने सीख ली, पेशेंस आप लोगों ने सीख ली, मैं गारंटी से कहता हूँ आप सक्सेसफुल करियर बनाओगे, और उम्मीद भी करता हूँ ये आप लोगों के लिए बेस्ट वीडियो होगी। और दोस्तों जॉब कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट पेपर है वो अप्लाई करके चले जाते हैं। अप्लाई करने से पहले, ये इंटरव्यू होने के बाद, जॉब कॉन्ट्रैक्ट पेपर आपका एम्प्लॉयर वहां की मिनिस्ट्री से लेगा, लेबर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी, लेबर मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये मिनिस्ट्री है वहां की लेबर की, जहां से वो आपको एक वर्क परमिट इशू करके देता है। वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर वो आपकी मेल आईडी पे डालेगा, आपका एम्प्लॉयर जिसको लेने में उसको कम से कम एक से डेढ़ हफ्ता लगता है, उसके बाद वो जब आपके पास डालेगा, आपको 15 दिन का टाइम देता है वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए। आप साइन करके उसको दोबारा भेजोगे, भेजने के बाद आपका एम्प्लॉयर आपको वीजा भेजता है वहीं से लेके। उसके बाद आप बहरीन की एक वीजा की कॉपी वो भेजता है आपको, बट आपको बहरीन की एम्बेसी जाना पड़ेगा। इंडिया में जो एम्बेसी है, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे वो बांग्लादेश में, चाहे वो नेपाल में, चाहे वो श्रीलंका में, वो आप जाके लोकल डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाओगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स की सारी स्कैन कॉपी आप एम्प्लॉयर को पहले भेज चुके होंगे, और वो एम्बेसी में दे चुका होगा कि ये बंदा आ रहा है, ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी लेके जाओगे साथ में, अपना पासपोर्ट ओरिजिनल, 2 पेज ब्लैंक होने चाहिए दोस्तों, 6 महीने के लिए पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, अपनी बैंक स्टेटमेंट कम से कम इस कंट्री के लिए मिनिमम 3 लाख अपने अकाउंट में रखना, और लास्ट में एक चीज बता दूं, डॉक्यूमेंट कोई फेक मत लगाना। आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, चाहे 1 साल का, चाहे 1.5 साल का, चाहे 2 साल का, चाहे 6 महीने का, एक्सपीरियंस आपका जेन्युइन होना चाहिए। एक्सपीरियंस जेन्युइन होगा तभी एम्बेसी वीजा देगी, अदरवाइज इसको शक हो जाए कि ये बंदा जेन्युइन नहीं है। एम्प्लॉयर का रोल सिर्फ आपका वर्क परमिट निकलवाना है, लेकिन जब एम्बेसी आपको जाते हो, एम्बेसी आपको यहाँ पे स्टिकर देके भेजेगी, उसके बाद आप फ्लाइट करवाएंगे, फ्लाइट भी आपका एम्प्लॉयर आपको भेजता है, और अकोमोडेशन ये डिपेंड करता है उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में मेंशन होगा कि आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा। ट्रैवल इंश्योरेंस ये आपको करवाना पड़ेगा, और मेडिकल आपको करवाना पड़ेगा। आज के टाइम पे कोविड का टेस्ट इन्होंने जोड़ दिया है, और जल्द ही बहरीन की सरकार वैकेंसीज निकालने वाली है। ये हमारे पास अपडेट आ रहे हैं यार, मेरे कुछ क्लाइंट्स वहाँ बैठे हैं ऑलरेडी, जो अच्छी प्रोफाइल्स में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपडेट दिया कि सर आने वाले हैं, आप प्लीज़ लोगों को बताइए ताकि लोग तैयारी कर सकें। तो तैयारी करो, अपना पासपोर्ट उठाओ और जाने की तैयारी करो। एक्सपीरियंस लेटर आपका अच्छा हो, एक्सपीरियंस अपना बनवा के रखो अपनी कंपनी से। और एक चीज़ लास्ट में कहना चाहूँगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सीवी जिन लोगों को नहीं बनाना आ रहा यार, वो बनवा लो यार, 2000 रुपये लग रहे हैं, क्या ज़्यादा 2000 रुपये, एक कंपनी आपसे ले रही है, अपने भविष्य के लिए 2000 रुपये खर्च कर दोगे तो कोई आपके लिए नुकसान नहीं है, ये सीवी आपका लाइफ टाइम चलेगा।
तो बनवा लो। इंस्टाग्राम पे हमारे पेज पे जाके क्वेरी डाल देना जिनको बनवाना है। 2000 रुपीज उसके चार्जेस हैं। जो हमने टीम असाइन करी आपके लिए एक्सपर्ट्स की, वो इसको कम से कम 1 हफ्ते में बना के देती है। आज के लिए इजाज़त चाहूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों को जरूर बताना, ताकि लोगों का भला हो सके। वर्ल्ड इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए यहाँ पे आया है, और हमारा कोई मकसद नहीं है। जय जय भारत।